मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को शाहपुर क्षेत्र स्थित एक स्कूल से प्रदेश व्यापी स्वच्छता महाअभियान का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। 5 सितंबर से 12 सितंबर तक चलने वाले स्वच्छता महाअभियान के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। साथ ही 9 महिला सफाई कर्मचारियों को मिशन शक्ति के तहत सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्वच्छता महाअभियान टीम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महापौर सीताराम जायसवाल एवं नगर विधायक डॉ. राधा मोहनदास अग्रवाल द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर नगर विधायक डॉ. राधा मोहनदास अग्रवाल एवं महापौर सीताराम जायसवाल ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में प्रदेश में साफ सफाई के साथ चहुंमुखी विकास हो रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता महाअभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए हमें स्वच्छता को संस्कार बनाना होगा, इसे अपने मनोभाव से जोड़ना होगा। यह मनोभाव अपने घर के साथ ही वार्ड, शहर और प्रदेश तक की स्वच्छता के प्रति होना चाहिए। यदि हम स्वच्छता के प्रति जागरूक रहेंगे तो बीमारियां दूर रहेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संचारी रोग, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा, डायरिया आदि के रोकथाम के लिए स्वच्छता के इस महाअभियान में सफाई, जल निकासी, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग, छिड़काव जैसे कार्य एक साथ चलेंगे। साथ ही पेयजल की शुद्धता का ध्यान रखने के लिए क्लोरीन के टैबलेट भी वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह कोरोना काल में निगरानी समितियों ने बेहतर काम किया, उसी प्रकार स्थानीय वार्ड स्तर पर स्वच्छता समितियां बनाकर हर नागरिक को स्वच्छता के अभियान से जोड़ा जाए। उन्होंने नागरिकों से अपील किया कि अपने घर का कूड़ा नाली या सड़क पर ना फेंकें, इसे नियत स्थान पर रखें, कूड़ेदान में ही डालें। इस मौके पर महापौर सीताराम जायसवाल, उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, नगर आयुक्त अविनाश सिंह सहित स्थानीय पार्षद एवं नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। पूरी तरह से आनंदित हैं, गदगद हैं। अभिनंदन करते हैं इस रंगस परिवार के बीच आने वाले क्षेत्र अपने विधायक, लोकप्रिय विधायक सिंह जी का और महापौर सीताराम जी का जो यहाँ करने के लिए मंदिर का स्वागत करें। सब फोटो हम लोग की छूट गई है, आगे आगे खड़े हुए लोग। दो होनहार कर्मचारी प्रेमसाना जी और पुष्पगुच्छ देखरवाल जी को आग्रह करूंगा कि आए और आज गोरखपुर के नागरिकों के बीच में और नगर लोग आपको पाकर अत्यंत आह्लादित महसूस करते हैं। हम जानते हैं इस बात को कि जब से 2014 में माननीय प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान शुरू किया, उस अभियान को जमानी जमीनी धरातल पर लागू करने का काम 3 साल तक रुका रहा। जब 2017 में आपकी सरकार आई तो इस उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक रूप से स्वच्छता को एक मुद्दा बनाया गया, समाज परिवर्तन का एक माध्यम बनाया गया, लोगों की सोच बदली गई और बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पाया गया। हमें याद है जब ये कार्यक्रम शुरू होता था और आप लोग झाड़ू और इत्यादि चीजों को लेकर बढ़ते थे तो लोग हंसी उड़ाया करते थे, लेकिन धीमे धीमे आप लोगों के उन कार्यों ने समाज के बीच में एक प्रेरक का काम किया। सबसे विकराल और सबसे घातक बीमारी थी, लेकिन एक सत्य ये भी है कि आपने सफाई के लिए गाँव गाँव में जो अभियान चलाया, स्वच्छता को जिस प्रकार से एक आंदोलन के रूप में समाज ने स्थापित किया, के 4.5 सालों के अंदर हम अपना उद्बोधन और आशीर्वाद देना है।
मैं बहुत सारी बातें कहूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक बार पुनः सभी नागरिकों से मैं आग्रह करूंगा, स्वच्छता और सफाई सिर्फ सरकार का और नगर निगम का काम नहीं है, हम सबको मिलकर के इसमें सहयोग करना होगा। जिन भी वार्डो में नगर निगम के लोगों ने कूड़ा उठाने का डोर डोर स्टेप कूड़ा उठाने का अभियान चलाया है, उसमें सहयोग करना होगा। यथासंभव हम जब सहयोग करेंगे तो नगर निगम और सरकार के विभिन्न विभाग आपको बहुत बेहतर सुविधा दे पाएंगे। अब मैं अपनी बातें समाप्त। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से स्वच्छता अभियान चलाने के लिए आह्वान किया था तो महाराज जी ने उत्तर प्रदेश को नीट और क्लीन करने का अभियान चलाया। आपके दिखाए हुए आपके सरकार के गाइडलाइन पर हमारा नगर निगम पूरे तत्परता के साथ सफाई अभियान में जुड़ा हुआ है। हमारे सभी पार्षद इस समय नगर निगम की टीम के साथ मिलकर जल जमाव वाले क्षेत्रों में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिसकी जहां जरूरत है वो सुविधाएं लोगों के सहयोग से उन तक पहुंचा रहे हैं। स्वच्छता भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। हमारी संस्कृति को अपना करके दुनिया में बहुत आगे बढ़ गई, लेकिन पिछले दिनों मोदी जी के पहले हम लोग बहुत पिछड़ गए और आज इस अभियान को चला करके उत्तर प्रदेश सरकार और हमारी केंद्र सरकार बहुत पैसे इस पर खर्च कर रही है। स्वच्छता से ही बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है, कोई दूसरा उपाय नहीं। इसमें शहर के नागरिकों को कहूंगा कि वो अवेयर हो, स्वच्छता के प्रति अवेयर हो। जब तक नागरिकों का पूरा पूरा सहयोग नहीं मिलेगा, हमारे नगर आयुक्त हमारे सभी अधिकारी उन मकसद को हम मंजिल तक पहुंचाने में पूरी तरह से सफल नहीं होंगे। यूं तो नगर निगम जब से आग खुलता है और जब तक लोग सो नहीं जाते हैं, सड़कों पर सेवा के काम में जुटा रहा है। बच्चों द्वारा एक स्वच्छता अभियान पर और अलसी घाट में पत्ते विभिन्न सफाई कर्मियों जो उन्होंने वो मंच के बगल में आ गए, श्री राम कृपा अवधेश गौर ड्राइवर सोनू सफाई का दरखास्त कर रहा हूँ कि वो कर्मचारी जिन्होंने अपना सदस्य देखिए वो कितने गदगद हैं। आज दिलीप सफाई कर्मी, भरत सफाई कर्मी, सफाई कर्मी बबलू सफाई कर्मी और विक्रम सफाई कर्मी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनमें सफाई स्वच्छ जो आपके सामने मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं ये बताना चाहिए के दूसरी लहर पर कर लेने के बाद अब संचारी रोग नियंत्रण करने की पूरी योजना बना रखा है। आज जो पूरे प्रदेश में प्रारंभ हो रही है जिसकी शुरुआत वहां से की जा रही है, ये एक सप्ताह के तहत विशेष महाअभियान के तहत इसमें क्षेत्रों में फॉगिंग टेस्टिंग एंटी जो जिनका तमाम नगर आयुक्त हम जोरदार तालियों से नगर रहे हैं। आप सबसे जो इनको देख रहे हैं आज माननीय मित्रों के वैसे नगर निगम कार्य और क्या समय धन्यवाद मन जी
अभी तो अभी सर 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 उधर यहाँ निकाल देते हैं। अरे यार यार मान गए आप लोग साइड हो। अरे यार फोटो फोटो अभियान कार्यक्रम में आज के समारोह में उपस्थित गोरखपुर नगर निगम के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, नगर निगम कार्यकारिणी के उप सभापति श्री ऋषि मोहन वर्मा जी, स्थानीय पार्षद श्री ब्रजेश सिंह छोटू जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी नगर निगम के पार्षदगण, सभी उपस्थित पदाधिकारीगण, नगर निगम के अधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित भारी संख्या में सभी उपस्थित सफाई कार्य से जुड़े हुए सभी नगर निगम से जुड़े हुए कर्मीगण, भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले इन सभी सफाई कर्मियों का हृदय से स्वागत करता हूँ। जो लोग पूरी तन्मयता से अपनी पूरी ताकत के साथ लग करके न केवल प्रत्येक घर को बल्कि नगर को भी स्वच्छ और सुंदर बना करके स्वयं की चिंता किए बगैर अन्य लोगों के लिए स्वच्छता के एक नए मानक को स्थापित करते हुए लोगों के स्वस्थ जीवन की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान देते हैं। सचमुच आप सभी स्वच्छता कर्मियों के ही परिश्रम और पुरुषार्थ का परिणाम है कि भले ही आपका स्वास्थ्य कैसा भी हो लेकिन सामान्य जन के स्वास्थ्य को नगर के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि नगर निगम ने इस कार्यक्रम की शुरुआत कुछ स्वच्छता कर्मियों के यहां पर सम्मान के साथ किया है। महापौर जी ने और नगर आयुक्त ने अच्छी शुरुआत की है क्योंकि ये लोग अक्सर इन लोगों का नाम छुप जाता था। स्वच्छता अभियान के नियो के पत्थर इनकी आवाज दब जाती थी, ये सम्मान नहीं पा पाते थे, लेकिन देर से ही सही नगर निगम ने इन्हें सम्मान दिया है। मैं इसके लिए नगर निगम को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश 40 वर्षों से करा रहा था एक बीमारी से, हर वर्ष यहाँ के 1200 से लेकर 1500 2000 बच्चे असमय काल कल्पित होते थे दिमागी बुखार से। हर वर्ष सिलसिला चला, 1977-78 से जो सिलसिला प्रारंभ हुआ 2017 तक निरंतर चलता रहा, 40 वर्षों तक ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के जिन्होंने 2014 में गांधी जयंती के अवसर पर पूरे देश को एक नया मंत्र दिया, स्वच्छ भारत अभियान का। ये स्वच्छ भारत अभियान वास्तव में प्रत्येक नागरिक की आत्मा को झकझोरने वाला और स्वच्छता के प्रति आम जनमानस
को जागरूक करने का ही एक पवित्र अभियान है। और उस अभियान का परिणाम क्या रहा कि नगर निकाय और हर ग्रामीण क्षेत्र में जब लोगों में व्यापक जागरूकता आई तो उस जागरूकता का परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिला। कैसे परिवर्तन हुआ, हर परिवार को शौचालय उपलब्ध करवा दिया गया, स्वच्छता के प्रति हर व्यक्ति जागरूक हो गया। और उसका परिणाम क्या रहा कि इंसेफ्लाइटिस से दिमागी बुखार से जो मौतें यहां पर हर वर्ष होती थी आज वह एकदम न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है और बड़ी संख्या में बच्चों की जानें अब बच रही हैं, बीमारी गायब हो चुकी है। ये आप सबके परिश्रम और पुरुषार्थ को प्रदर्शित करता है कि अगर आप कार्य करते हैं तो परिणाम कैसे सामने आते हैं। आपके कार्य को कभी भी इस रूप में रेखांकित करने का प्रयास नहीं हुआ, सफाई पहले भी करते रहे होंगे, कम या ज्यादा, अच्छा या बुरा, लेकिन उसको कभी प्रमाण पत्र नहीं मिला। जब अच्छी सरकारें आती हैं तो उसको प्रमाणित भी करती हैं कि हाँ इसका परिणाम ये है और इस परिणाम के पक्षरूप इन सब का अभिनंदन कराया जाना चाहिए क्योंकि इनके कारण हमने इस पे सफलता प्राप्त की है और उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। और नहीं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश एक समय बीमारियों का गढ़ बन चुका था। यहां पर लोग घबराते थे आने के लिए, या तो मलेरिया से या दिमागी बुखार से, और फिर एक समय डेंगू ने भी यहां पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। एक तरफ माफिया का कहर और दूसरी तरफ मच्छरों के कारण और गंदगी के कारण अव्यवस्था। लेकिन आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, ये सभी जनपद इनसे मुक्त होकर के विकास की एक नई कहानी लिखते जा रहे हैं और विकास की उस नई कहानी को और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि ये जो समय है, आपने देखा होगा कि 15 दिनों तक लगातार बारिश पड़ी है पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी और नेपाल में भी। हर नदी अपने खतरे के लेवल से 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर ऊपर बह रही है। समय से बाढ़ के बचाव के उपाय करने के कारण नगरीय क्षेत्र बचे बाढ़ की चपेट में आने से, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में तटबंधों को भी ओवरफ्लो करते हुए नदी बह रही है। गोरखपुर में 304 गांव बाढ़ की चपेट में, उन सभी गांवों में राहत सामग्री, बचाव और राहत के कार्य युद्ध स्तर पर चलाने के कार्य हो रहे हैं। लगातार अभियान चल रहा है, लगातार कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन उसका दुष्परिणाम महानगर के वासियों को भुगतना पड़ा। जब नदी ओवरफ्लो होगी तो सभी रेगुलेटर बंद करने पड़ेंगे। रेगुलेटर बंद हुए, पंपिंग स्टेशन की अपनी सीमित क्षमता होती है और उसका परिणाम क्या है, महानगर के भी तमाम क्षेत्रों में भीषण जल जमाव हो गया। नगर निगम, विकास प्राधिकरण और पीडब्ल्यूडी, इन तीनों की एक टीम बनाई गई है जो नगर निगम के अंदर जल जमाव की इस भीषण समस्या का तत्काल समाधान निकाले, अतिरिक्त पंपिंग सेट निकाल कर लगाकर अस्थाई व्यवस्था और फिर अस्थाई व्यवस्था करना जिससे कहीं भी जल जमाव न हो, क्योंकि जल जमाव ज्यादा दिनों तक होगा तो यह भी बीमारी का कारण बनेगा। ये जल जमाव तमाम प्रकार की बीमारियों को जन्म देगा, इससे मलेरिया भी फैल सकता है, कालाजार भी फैल सकता है, चिकनगुनिया भी फैल सकता है, डेंगू भी फैल सकता है और इसके कारण तमाम प्रकार से डायरिया हो सकता है, हैजा हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि पहले तीनों विभाग मिलकर के इस योजना को, जो इन्हें विगत दिनों कार्य सौंपा गया है, इसको व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा करके जल जमाव से मुक्ति के लिए वे हर संभव प्रयास करें जिससे कहीं भी कोई जल जमाव की संभावना आने वाले समय में न बने। ये पूरे महानगर के लिए, नगरीय क्षेत्रों में जो नए मोहल्ले आए हैं उन मोहल्लों के लिए
और अन्य क्षेत्रों के लिए भी उस प्रकार की व्यवस्था बना करके उसको तत्काल लागू किए जाने की आवश्यकता है। दूसरा, यह व्यवस्था करना कि विकास का कार्य कोई भी हो, कोई सड़क बने उस सड़क के साथ जल निकासी की भी प्रॉपर व्यवस्था की जानी चाहिए। अधूरा कार्य नहीं, हम सड़क बना देते हैं, नाली छोड़ देते हैं और उसके बाद वही पानी फिर मोहल्ले का इकट्ठा होकर के जब बहने लगता है, सड़क पे बहने लगता है, वाहन चलते वही सड़क टूट जाती है, फिर लोगों के सामने वही नाली की स्थिति पैदा होती है, इसको भी बचाना पड़ेगा। तीसरा, स्वच्छता कर्मी तो अपना कार्य कर ही रहे हैं लेकिन साथ साथ स्थानीय स्तर पर, जैसे कोरोना कालखंड में पार्षदों के नेतृत्व में हर मोहल्ले में निगरानी समिति बनी थी, ऐसे ही हर वार्ड में समितियां गठित करके, स्वच्छता समितियों का गठन करके, मोहल्ला स्वच्छता समितियों का गठन करके हर नागरिक को इस अभियान के साथ जोड़ा जाए कि घर का कूड़ा नाली में न फेंके, सड़क पे न फेंके, घर के पास कूड़ादान रखो और उस कूड़ा को वहां से निकाल करके फिर सीधे नगर निगम की गाड़ी आए और उस कूड़ेदान से कूड़ा ले जा करके स्वच्छता के अभियान को और मजबूती से आगे बढ़ा सके। एक अपना भाव आना चाहिए, जैसे हर व्यक्ति अपने घर को स्वच्छ और सुंदर रखता है, प्रयास करता है अपनी क्षमता के अनुसार उस प्रकार का व्यवस्था रखता है, स्वच्छता सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, कोरोना कालखंड में तो हर व्यक्ति ने स्वच्छता के प्रति विशेष लगाव और स्वच्छता के प्रति विशेष ध्यान देना, अगर हर व्यक्ति भावनात्मक रूप से जैसे अपने घर को स्वच्छ रखता है, स्वयं स्वच्छ कपड़े पहनता है, ऐसे ही अपने मोहल्ले के बारे में, अपने वार्ड के बारे में, अपने नगर के बारे में, अपने महानगर के बारे में, अपने जनपद के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में भी यही भाव हम सबके मन में पैदा होना चाहिए और इसी भाव को आगे बढ़ाने के लिए आज से 12 सितंबर तक, आज 5 सितंबर का तिथि शिक्षक दिवस के रूप में भी आज के दिन को मनाया जाता है। देश के द्वितीय राष्ट्रपति, महान दार्शनिक, महान विद्वान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में आज का यह दिवस, उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। शिक्षक का मतलब समाज को दिशा देने वाला, समाज का हर वो विद्वान व्यक्ति जो समाज का मार्गदर्शन कर सकता है, समाज को एक नई दिशा दे सकता है, वो अपने आप में शिक्षक है और इसलिए हर व्यक्ति को उस भूमिका के साथ आगे आना चाहिए कि वह व्यक्ति आज अपने देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में अपने इस अभियान को 12 सितंबर तक ले जाकर के स्वच्छता के इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। इसमें सामान्य साफ सफाई भी होगी, जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था का कार्यक्रम भी होना है, छिड़काव फॉगिंग का कार्य भी होना है, सैनिटाइजेशन की भी कार्रवाई वृहद स्तर पर चलनी है। अगर ये सभी कार्यक्रम एक साथ प्रारंभ होंगे, शुद्ध पेयजल के लिए लोगों को प्रेरित करना है, जहां पर जल जमा है क्लोरीन की टैबलेट वहां तत्काल वितरित करके लोगों को बताना कि पानी गर्म करके जब वह ठंडा हो जाए छान करके उसका ही सेवन करें, या हैंडपंप का पानी ले रहे हैं तो क्लोरीन की गोली डाल करके फिर उस पानी का सेवन करें। शुद्ध स्वच्छता के प्रति जितना हम जागरूक हो पाएंगे उतनी ही बीमारियां हमसे दूर जाएंगी और आपका बीमारी पे होने वाला खर्च बच पाएगा। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा तो पूरा समाज स्वस्थ रहेगा। इस दिशा में एक बड़ी जिम्मेदारी आप सभी स्वच्छता कर्मियों के ऊपर नगर निगम और महानगर की है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आप सबके पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और मैं नगर निगम से कहूंगा ये कार्यक्रम जो स्वच्छता कर्मियों का है, केवल कभी कभार ही नहीं, हर पर्व और त्योहार के बाद भी अच्छा कार्य करने वाले स्वच्छता कर्मियों को, उनके जो मेट हैं, उनके जो इंस्पेक्टर हैं,
जो मोहल्ले में अच्छा काम करें उनकी सूची तैयार करना और पर्व और त्योहार के बाद एक घंटे का कार्यक्रम में बुलाइए, उनको चाय जलपान कराइए, भोजन करवाइए, मिठाई दीजिए और उनको सम्मान भी दीजिए। ये कार्यक्रम अगर निरंतर चलता रहेगा तो स्वाभाविक रूप से इनसे प्रोत्साहन होगा, इन लोगों का मनोबल भी बढ़ेगा कि इनके कार्य की कीमत को इनकी संस्था समझने का कार्य कर रही है और ये आज के दिन पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं गोरखपुर नगर निगम को, महापौर जी को, यहाँ के पार्षद को, नगर निगम के जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, सभी को मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ कि सभी लोग स्वच्छता के इस विशेष अभियान के साथ चलिए, नगरीय क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी एक साथ कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। हर एक क्षेत्र में कार्यक्रम चलना चाहिए जिससे डेंगू व मलेरिया, कालाजार, चिकनगुनिया, इंसेफ्लाइटिस या डायरिया जैसे सभी प्रकार की बीमारियों से हम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बचा सके। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।